अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड नाइन्थ टुडे वी विल डिस्कस फिल्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का फिनिना है इसकी हेल्प से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ब्लड कैपलरीज के थ्रू फिल्टर किया जाता है और डिफरेंट जो सेल्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है स्टूडेंट्स इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ऑस्मोसिस की और ऑस्मोसिस का जो इम्पोर्टेंट रोल है गार्ड सेल्स में उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था फिर हमने बात की थी कि जो सेमी परमिएबल में ब्रेन है उसकी हेल्प से किस तरह से इस प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करते हुए हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन सिंथेसाइज की हैं जो बैक्टीरिया को फ़िल्टर करती हैं वाटर से और फ्रेश हेल्दी वाटर जो है वो हमें फिर प्रोवाइड किया जाता है फ़ॉर द ड्रिंकिंग परपजेज़ जो फिल फिल्ट्रेसन होती हैं ये डिफरेंट लैब्स में भी यूज़ होती हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में इनकी हेल्प से जो बैक्टीरिया हैं बीइंग लार्जर इन साइज वो इस मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उनमें से नहीं गुजर सकते दैट्स वाई दे कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं इज अ प्रोसेस बाय वीच Small molecules are forced to move across semi permeable membrane. With the aid of hydrostatic pressure or blood pressure. स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिल्ट्रेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है हम कहते हैं कि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से या ब्लड प्रेशर की हेल्प से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या किया जाता है फोर्स्ड किया जाता है या हम कहते हैं सेपरेट किया जाता है अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही क्यों सेपरेट किया जाता है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की ये एबिलिटी है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें टाइनी पोर्स होते हैं या उसकी मेमब्रेन में जो पोर्स हैं उनके थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली पास हो सकते हैं जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है इसी वजह से वो इन पोर्स में से नहीं गुज़र सकते अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं एक ब्लड कैपिलरी के स्ट्रक्चर को और उसमें नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी देखते हैं ये स्टूडेंट हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को विजिबली जिसमें ब्लड सर्कुलेशन को दिखाया गया है और साथ ही साथ एक हमारे पास ब्लैंक ब्लड कैपिलरी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको ब्लड प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से जो है पुश किया जाता है और इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करवाया जाता है अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है हाइड्रोस्टेटिक हम कहते हैं विद हेल्प ऑफ वॉटर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या चीज इन्वॉल्व होगी वॉटर अब ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है किस स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कैपलरी में अब इसमें डिफरेंट आपको ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी विजिबल हैं लाइक like हम कहते हैं इसमें ये आपके पास जो हैं ये क्या है रेड ब्लड सेल्स जिनको हम जिनको हम आर भी कहते हैं इसके अलावा इसमें डिफरेंट प्रोटीनस होती हैं और बाकी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इसके अलावा फ्रेगमेंट्स जो होते हैं लाइक like प्लेटलेट्स तो वो भी इसी में ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है तो इन शॉर्ट ये एक ब्लड सर्कुलेशन है अब हम देखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन की हेल्प से किस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रेशर के साथ सेपरेट किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है अब ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें कोई भी सेल वगैरह नहीं नज़र आ रहा हम इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और साथ ही साथ हमारे पास कुछ लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हैं अब हम देखते हैं कि जो ब्लड कैपिलरी है इसके थ्रू जब इन मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाएगा तो कैपिलरी में चूंकि हम कहते हैं इसकी वॉल जो है वो वन सेल थिक होती है यानी एक ही सेल पर जो हैं वो मिलकर कैपिलरी की वॉल बनाते हैं हम कहते हैं वन सेल थिक और ये ओवरऑल हमारे पास क्या ये है ब्लड कैपिलरी हमने कहा ये हमारे पास क्या है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और ये हमारे पास क्या है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं अब लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हम कह सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं प्रोटीन्स का जो साइज़ है वो लार्जर होता है इसीलिए वो इसमें मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते है. अब इसमें हम डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को भी शो करते हैं यहां पर यह हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स चूंकि हम बात करें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की तो वो प्रेशर किन की हेल्प से एक्जर्ट किया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से अब इस जो कैप, कैपलरी में आप देखें तो इसमें अब ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी हम आपको शो कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है अब जैसे ही ब्लड इस कैपलरी में से पास हो रहा है और साथ ही साथ इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं प्रेशर के साथ ब्लड प्रेशर की हेल्प से या वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हेल्प से अब इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और ये जो हमारे पास लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो साइज है वो क्या है लार्ज है वो इस वन सेल ठीक जो कैपलरी की वॉल है इसमें से पास नहीं हो सकते तो इस तरह से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये अब कहाँ आ जाएंगे ये इस मेम्ब्रेन ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पर आउटसाइड प्रेजेंट होंगे अब इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं बीइंग स्मॉलर इन साइज उनको मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर लिया जाता है फिल्टर कर लिया जाता है हमने अभी आपको बताया कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ वो ही इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी फिल्टर्ड with the help of r through filtration process जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं cannot be filtered through filtration process अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इसका पर्पस क्या है क्यों जो सेल्स क्यों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर किए जाते हैं अब आपने बात की कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस कैपलरी की वॉल को क्रॉस करके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे अब ये जो कैपलरीज़ हैं ये हमारे पूरी की पूरी बॉडी में जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है इसकी सप्लाई करती हैं अब कैपलरी की वॉल से जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं फॉर एग्जांपल ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब क्रॉस करके तो अब इसकी सराउंडिंग्स में जो है वो टिश्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं इनके सेंटर में क्या चीज प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इनकी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती अब ये जो मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स की इसके थ्रू ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनसाइड द सेल मूव कर जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लें करेंगे अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अब सेल के अंदर पहुँच चुके हैं और सेल जो है इनको यूटिलाइज़ करते हुए अपनी डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे किन को परफॉर्म करेंगे सेलुलर एक्टिविटीज को तो इस तरह से स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाए जाते हैं और जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है ये ईच एंड एवरी टिश्यू और फर्दर उसमें जो सेल्स हैं उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और जो गैसेस हैं वो प्रोवाइड करती हैं तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फिल्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया और फिर देखा कि फ़िल्ट्रेशन का जो एक्चुअल पर्पज़ है वो क्या है तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर था वो कम्प्लीट हुआ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की फिल्ट्रेशन की और हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ह्यूमंस में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी मेम्ब्रेन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पुश किया जाता है और सेल्स तक पहुंचाया जाता है तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़